उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीख का ऐलान बुधवार को कर दिया गया है। जी हां, पेपर लीक होने के चलते नवंबर में रद्द की गई परीक्षा अब 23 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। यूपीटीटी की नई परीक्षा तारीख को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल ये एग्जाम दो पालियों में ही आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम 10 बजे से 12:30 बजे तक किया होगा और उसके बाद दूसरी शिफ्ट का एग्जाम 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित कराया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें यूपीटीटी 2021 आंसर की 27 जनवरी 2022 को ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। वहीं इस को लेकर जो लोग आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि थी उनकी उसकी तारीख 1 फरवरी 2022 रखी गई है। 25 फरवरी 2022 को एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को ये जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि उनसे कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं इस बार ली जाएगी। दरअसल यूपीटीटी 2021 में सफल होने वाले कैंडिडेट में टीचर के पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। आपको बता दें कि यूपीटीटी की परीक्षा 28 नवंबर का आयोजित होनी थी लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया था जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया था। ऐसे में पेपर लीक की घटना के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी।